दोस्तों, यूं तो आपको टीवी इंडस्ट्री में हजारों अभिनेताएं देखने को मिल जाएंगे, लेकिन शायद ही आप उन अभिनेताओं में से कोई अभिनेता शरद मल्होत्रा का रिकॉर्ड अब तक तोड़ पाया होगा, क्योंकि ये है ही इतने ज्यादा टैलेंटेड। जिन्होंने अब तक जितने भी सीरियल्स और शोज में काम किया है ना, वो सभी के सभी टॉप पर और सुपरहिट रहे हैं, जिसके चलते आज शरद मल्होत्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि काफी कम समय में सफलता की बुलंदियों को छू लेने वाले अभिनेता शरद मल्होत्रा को ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, जिसके बारे में जानकर आप भी बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको शरद मल्होत्रा की बायोग्राफी बताकर उनके पूरे स्ट्रगल करियर के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इनके बारे में ये सभी बातें जानने से पहले आप इस दमदार कलाकार के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज टीवी इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं में अपना नाम शुमार कर चुके अभिनेता शरद मल्होत्रा का जन्म 9 जनवरी 1983 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने कोलकाता के ही सेंट जेवियर्स स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। वहीं सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने अपनी आगे की ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक दिल में रखा था, क्योंकि ये बचपन से ही शाहरुख खान की फिल्में देखा करते थे और बड़े होकर बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने पढ़ाई खत्म करने के बाद ही एक्टिंग की दुनिया में आने का मन बना लिया, जहां ये मुंबई तो आ गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इन्हें पता चला कि जीवन का असली स्ट्रगल आखिरकार होता क्या है, जहाँ एक किराए का कमरा भी नसीब नहीं होता। और ऐसा ही हुआ इनके साथ भी कि इन्हें करीब 5-6 दिन तक सड़कों पर ही अपनी रात काटनी पड़ी थी। उसके बाद इन्हें कमरा नसीब हुआ कहीं जाकर, जहां पर इन्हें 6 लोगों के साथ एक ही कमरे में एडजस्टमेंट करना पड़ा। इस स्ट्रगल की घड़ी में इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑडिशंस देने शुरू किए, लेकिन अफसोस की बात तो ये कि इन्हें फिल्मों में काम नसीब नहीं हुआ और हार मानकर इन्होंने साल 2004 में रियलिटी शो इंडियाज सिनेस्टार की खोज में हिस्सा लिया, जिसे ये जीत तो नहीं पाए, लेकिन इन्हें इस शो में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते इनके करियर का पहला शो हासिल हुआ था। इनके उस पहले शो का नाम था प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग। इस शो में इन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले कर टीवी पर अपना पहला कदम रखा था, लेकिन इन्हें इनकी असल पहचान इनके अगले शो बनू मैं तेरी दुल्हन से मिली थी। इस शो में सागर का किरदार निभाकर ये एक घरेलू नाम बने। इनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें आगे चलकर काफी सारे टीवी शोज और सीरियल्स में काम करने के सुनहरे मौके मिलते गए। इस तरह से इन्होंने भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप, कसम तेरे प्यार की और मुस्कान जैसे कई सारे टीवी शोज और सीरियल्स में काम किया और दर्शकों के दिलों को जीता। आपको बताते चले कि जब इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में यानी के टीवी सीरियल्स में काम करके पॉपुलैरिटी हासिल हो गई थी, तब इन्होंने बॉलीवुड की तरफ एक बार फिर से कदम बढ़ाया और अपनी किस्मत आजमानी चाही, जहाँ इस बार इनका लक काम कर गया और मेहनत भी काम आई। इन्हें बॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिल गया, जिनमें 1 तेरा साथ और फ्रॉम सिडनी विद लव जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि इनकी ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। इनका शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार बनने का सपना तो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, जिसके चलते आपको ये जानकर भी बेहद हैरानी होगी कि शरद मल्होत्रा डिप्रेशन में भी चले गए थे, जिन्होंने अपने आप को कई बार हानि यानी कि अपने आप को हार्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को अच्छे से संभाला और टीवी में एक बार फिर से कमबैक किया, जहां आप सभी इन्हें नागिन 5 सीरियल में तो देख ही रहे होंगे कि इन्होंने वीर चील के किरदार को बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा और आज ये टीवी का एक जाना माना नाम बन गए हैं। वही बात की जाए इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2018 में फैशन डिजाइनर रिप्सी भाटिया के साथ शादी के साथ फेरे लिए थे और आज ये उन्हीं के साथ एक काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि रिप्सी भाटिया से पहले इन्होंने अपनी को स्टार रही दिव्यांका त्रिपाठी को दिल दिया था, जिनके साथ इनका लव रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा डीप यानी कि गहरा था। दोनों एक दूसरे से शादी तक करने वाले थे, लेकिन 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 7 साल बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों की यही प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। तो दोस्तों, आपको शरद मल्होत्रा का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा बेस्ट लगा था और इनका कौन सा कैरेक्टर आपके मन को पूरी तरीके से भा गया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।